3:57 पे सहरी का टाइम खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 12 मिनट बच गए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी सहरी करते हैं। घर वालों ने तरबूज काटा हुआ है और तरबूज निकल आया हुआ है जी कच्चा। पराठे, चिकन और साथ दाल, और इधर आलू मटन। मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इस तरफ ही रहूंगा। मैं सहरी के लिए दही लेके आया करता था, अभी दही मैं नहीं लेके आता, बंद कर दिया हुआ है। अभी सेवैयां हमारे घर नहीं बनाई जाती है सहरी में, तो शाम का बना होता है सालन, वही सहरी में चल जाता है। सबसे पहले मैंने तरबूज खाया था और उसके बाद खाना और आखिर पे चाय, और ये जो आप ऊपर नजर आ रही है ना, ये मलाई है। इंट्रो तो बोला ही नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। पेट इतना फुल है ना कि चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा, मैंने थोड़ी सी पी है और अभी एकदम बस हो चुकी है, तो इसलिए हम चाय को कर देंगे स्किप। नींद से मेरी आंखें एकदम भरी हुई है, लेकिन नमाज पढ़े बगैर बिल्कुल भी नहीं सोना। फजर की नमाज अदा करने के लिए मैं जा रहा हूँ। रमजान मुबारक का चांद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है। देखो देखो हमारे घर कौन आया, गिर जाओगे। सिस्टर आई हुई थी थोड़ी देर के लिए, अभी चली गई हैं। मैं सोया हुआ था तो अम्मी जान ने मुझे कॉल करके उठाया कि नीचे आ जाओ, जकरिया आया हुआ है, आके उससे मिल लो। तो भाई साहब वो तो हाथ ही नहीं आता, इतना चल्ला हो गया हुआ है ना, लाड प्यार आप उसे कर ही नहीं सकते, आपको क्या हाथ ही नहीं आता, अगर आप पकड़ लोगे तो वो रोना शुरू कर देता है। उर्दू में मुझे सही से नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक भिड़ बोलते हैं, लेकिन पंजाबी में तंबूड़ी बोलते हैं हम इसको। अगर आपको पता है क्या बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये होता है क्या से बोलते हैं उसके लिए, ये देखो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, हमेशा ही मैं इसका नाम भूल जाता हूँ। ड्रेसिंग टेबल, उसका ये टेबल है, इसके ऊपर बैठ के खातिन मेकअप वगैरह करती हैं, तो थोड़ा टाइम लेवा काम होता है तो फिर इस पर बैठ के सुकून से कर लेती हैं। तो ये इधर पड़ा हुआ है, इसका इतना इस्तेमाल नहीं है हमारे घर में। इसके नीचे घुस के ना हमने अपना घर बनाना शुरू कर दिया हुआ है। एक दो मजदूर लगा हुआ है जो भाई सब सामान लेके आ रहा है, जैसे सीमेंट बजरी, और इनको देता है, और ये चार पांच अंदर लगी हुई हैं और ये घर बना रही हैं, और उसके अलावा इधर भी एक चीज ने घर बनाया हुआ है। इन दिनों में ऐसी चीजें निकलती हैं, और अगर बारिश हो गई ना फिर तरह तरह के कीड़े निकल के आएंगे, वो मेरे खुदा इतने कीड़े, जहाँ लाइट ऑन वहाँ कीड़े 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 कीड़े। शूज मेरे काफी गंदे हो गए हुए हैं, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि इनको धो दूं। ये देखें कितनी मट्टी लगी हुई है यार। व्हाइट शूज विलेज में साफ रखना नामुमकिन है, व्हाइट क्या ब्लैक भी हो ना तो भाई साहब नामुमकिन है। ये साफ सुथरे थे, ये सिर्फ ऐसे ही पड़े हुए थे और ऊपर मट्टी पड़ गई हुई है इधर पड़े पड़े, तो यहाँ धूल मट्टी बहुत होती है, फिर ये गंद होगा। मैं बहुत ज्यादा दिनों से ये सोच रहा था कि आज शूज धोता हूँ कल धोता हूँ, आज धोता हूँ कल धोता हूँ, और इसी चक्कर में ना पता नहीं कितने दिन जो है गुजर चुके हैं। मुझमें एक आदत बहुत ज्यादा बुरी है, मुझे खुद उस आदत से नफरत है, और वो ये है कि मैं आज का काम कल पे डाल देता हूँ, फिर कल परसों करते करते बहुत ज्यादा दिन गुजर जाते हैं। जब मैं दुबई में था ना, वहां पे मैंने व्हाइट शूज पहने, भाई साहब एक दो दिन बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए, लेकिन यहाँ विलेज में अगर मैं व्हाइट शूज पहन के ना वो थोड़ा पीछे तक भी जाऊंगा ना तो गंदे हो जाएंगे। सिटीज में भी साफ सुथरे रहते हैं, लेकिन विलेज में व्हाइट क्या ब्लैक शूजों को भी साफ रखना नामुमकिन सी बात है, तो फिर मैं बहुत कम ना विलेज में शूज पहनता हूँ। मैंने सोचा कहाँ दो दो तीन दिन जोड़े करके नीचे लेके जाऊंगा, मैंने पूरा शूज है की उठाया और नीचे ले आया हूँ। आज आपको शूज धोने का एक तरीका बताता हूँ, पता नहीं ये सही है कि नहीं, लेकिन आसान बहुत है। ऐसे वॉशिंग मशीन में पानी डालो, सर्फ डालो, गुड़ुम गुड़ुम करके शूज फेंको बीच में और मशीन चला दो। तो अभी मैं डाल रहा हूँ वॉशिंग मशीन में पानी, पानी जी हो गया, अभी इसमें हम डालेंगे सर्फ। पहले इसमें जाएंगे सिर्फ और सिर्फ व्हाइट शूज, ये एक जोड़ा गया, उसके अलावा ये हैं जराबे, इनमें से मैं निकाल लूं, ये व्हाइट हैं, ये जाएंगे चट्टूवे, बस अच्छे तरीके से धुल जाए सही। पहली दफ़ा जी ऐसे वॉशिंग मशीन में शूज़ धो रहा हूँ, इससे पहले मेरी सिस्टर ना वो धोती थी, वो कपड़े धोती थी, और जो पीछे मतलब ऐसे पानी बच जाता था ना उसमें मेरे शूज़ फेंकती थी और मशीन चला देती थी, और मेरे शूज़ एकदम चमक जाते थे। आज देखते हैं कि शूज़ चमकते हैं कि नहीं, वाइट अगर चमक गए ना तो भाई साहब कोई भी शूज़ चमक जाएंगे। इसमें मशीनें बहुत साफ किए हैं शूज, लेकिन कुछ निशान हैं इन पे जो भाई साहब ब्रश से भी नहीं जा रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे भी साफ कर रहा हूँ लेकिन नहीं जा रहे हैं, स्पेशली ये वाला जो जोड़ा है ना इस पे सारे शूज जी एकदम चमका दिए गए हैं, और ये जो जराबे इनके अंदर से निकली थी वो भी मैंने धो दी है, और ये वाला जोड़ा तो सूख भी गया जी थोड़ा सा गीला। जूता मैंने धूप में उतार दिया हुआ है, बाकी नमाजियों ने ज्यादातर उधर जूते उतारे हुए हैं।
अच्छा खासा गर्म हो चुका है मेरा जूता। गलती की मैंने इधर धूप में उतारने की। जोहर के टाइम इधर धूप होती है, असर के टाइम इधर छाव आ जाएगी, फिर मगरब छाव होगी होगी। देखें देखें मेरे रूम में कौन आया, मेरी अरफाई सद के। भाभी काम कर रही थी और अम्मी जान ने जोहर की नमाज अदा करनी थी, तो अम्मी जान कहती है कि अरफा को थोड़ी देर के लिए उठा लो क्योंकि ये मुझे नमाज पढ़ने नहीं दे रही है। तो मैं अरफा को उठा के अपने रूम में ले आया हूँ। अम्मी जान कह रही थी कि बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, ईद आ रही है तो उनके लिए कुछ लेना है, तो उसके लिए हम साथ वाले गांव जा रहे हैं। बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता, इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि क्या बताऊं मैं। लेकिन क्या करें भाई साहब, जाना तो पड़ेगा ना, घर बैठे सारे काम तो नहीं हो जाएंगे, तो ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी हमें। शूज अपने एकदम सूख चुके हैं, इधर जराबे मैंने रखी थी वो भी सूख गई हुई है, वो तरबूज कच्चा निकल आया था, वो ऊपर वाले खाए हुए हैं तो घर वालों ने ऐसे साइड पर रख दिए हुए हैं। खैर उनको इग्नोर करें, बाकी शूज हमारे सूख गए हैं, इनको उठाएंगे हम बाद में। एक चीज मैं भूल गया हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि वो चीज क्या है। आपको पता ही है लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, अभी यहाँ पे तो यार पड़ी हुई थी नंबर प्लेट्स, कहाँ गई हैं अब? मिल गई हैं, ये रही। ये तंग तंग गलियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे विलेज की गलियाँ जो है ना वो खुली हुई हैं, इतनी खुली हैं कि आप ट्रैक्टर सुकून से गुजार सकते हो। एक शॉप पे जाना था जहाँ से अम्मी जान ने जूते लेने थे बच्चों के, लेकिन वो दुकान है बंद। दूसरी फिर अम्मी जान ने दुपट्टे पीको करवाने के लिए दिए हैं, तो अभी वही देख निकले हैं हम। तो जूते लेने के लिए अभी हमें जाना पड़ेगा दूसरे तीसरे विलेज फ्राणी ने बस, फिर वापस होना पड़ रहा है हमें। अम्मी जान कहती हैं कि कुछ कमीज़ें हैं जो वापस करनी है एक दुकान पे, तो लगे हाथ वापस कर जाते हैं। मैंने कहा ओके, यहाँ से हमने होना है लेफ्ट। कीचड़ कीचड़ कीचड़, ये दुकान भी बंद है। फिर माँ जी घर पास ही है, तो अम्मी जान अभी घर चली जाएंगी, मैं आगे से ज़रा बाइक टर्न करके ले आऊँ। दुकानें बंद 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 ही जा रही हैं भाई साहब, सारी की सारी, क्या करे बंदा। नंबर प्लेट्स भी चेंज करवानी थी, मेरे दोस्त की दुकान आज भी बंद है, जिस जगह भी गए हुए थे वहाँ भी बाइक की दुकान है वो भी बंद थी। नंबर प्लेट्स मुझे लग रहा है कि आज भी रह जाएंगी। तो है जी रमज़ान और दूसरा कामकाज के दिन है, तो इसलिए ज़्यादा दुकानें बंद हैं। अभी वापस विलेज की तरफ हम जा रहे हैं, अभी दो काम करने हैं जी, एक तरबूज लेने हैं और दूसरा समोसे लेने हैं। तरबूज और समोसे सिस्टर के यहाँ दे के आने हैं। भाई जान दो दुआने चाहिए ने। हाँ जी माँ जी, 350 मंगया तो 300 का दिखाड़ा। भाई जान 3 दवो टक्कियाँ ला के, 20 समोसे कर दवो, चटनी ज़्यादा दे। भाई जान पैसे फटा रहे उधर, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ओए धूल, ये गंदम की कतराई के दिन है भाई साहब, तो इन दिनों इतनी धूल होती है ना। ओए इधर कतराई लगी हुई है, मशीन लगी हुई है। नंबर प्लेट्स आज भी रह गई हैं यार, कल भी इनको लगवाने की पूरी कोशिश की है, कल भी नहीं लगवा पाया और आज भी रह गई हैं। पर चलो कोई नहीं, एक ना एक दिन तो लग ही जाएंगी। ये आप प्लास्टिक बैग देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अम्मी जान ने खरीदी हैं। ओए नीचे से ये फट गया हुआ है, बच्चा तो हो गया, कोई चीज़ नहीं गिरी नीचे। और उसके अलावा ये एक, अपने वाकी टाकी तो नहीं यूज़ किया आज? नहीं, आज रात को खेलेंगे उसके साथ। अफ्तारी होने में 3 से 4 मिनट बाकी हैं, चीज़ें चटाई पे ला के रख दी गई हैं, अरफा की रेंज से थोड़ी बाहर रखी गई हैं, कोई पता नहीं चलता अरफा का कब किस चीज़ पे छा के पहुँच जाए, छा के पहुँच जाती है ये। अभी भी अरफा की पूरी कोशिश है, थोड़ी देर पहले तरबूज पे थी इसकी, अभी इस पे आंख रखी हुई है अरफा ने, आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट इधर। वाह शाबाश, वेरी गुड, छोड़ दें भाईजान, मुझे तो ग्लास दें, मैं तो पानी पीऊँगा। रोज़ेदार रोज़ा खोल लो। जी जी तरबूज आइए, खरबूजा। मगरब की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं, अहमद आगे आगे था, वो मस्जिद में जा चुका है, मेरे साथ अबुजर है, अहमद हमारा इंतजार कर रहा है। अम्मी जो अभी शॉपिंग करके आई हैं, क्या हो गई है मोटरसाइकिल है नहीं कार। वो मैंने आपको दिखाया था ना प्लास्टिक बैग नीचे से फट गया हुआ है, मुझे लगा नहीं था कि कोई चीज़ गिरी होगी नीचे, लेकिन एक सूट नीचे गिर गया हुआ है अबीर का, अहमद की छोटी सिस्टर का, ये मसला हो गया है। तो अम्मी जान कह रही हैं कि जाओ और देखो, हो सकता है रास्ते में कहीं पड़ा हो, मुझे नहीं लगता। देखिए भाई बशर पगयाड़ी गए हुए, मतलब साथ वाले कम गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं ना मैं उनसे बाइक लेके जाता हूँ, अगर तो मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। पापा से पूछें पापा कहाँ गए थे और क्यों गए थे, पूछें अब।
सूट कहीं भी नहीं गिरा हुआ, दुकानदार ने बीच में नहीं डाला था प्लास्टिक बैग के। तो अम्मी जान को था कि लड़का बस कहीं फेंक आया सूट, मेरी क्लास लग जानी थी अगर सूट ना मिलता तो। अल्लाह का शुक्र है कि सूट उन्होंने डाल ही नहीं हुआ, हमारी बचत हो गई है। अभी चले नाना साहब, हम तीनों आवारा गर्दी करने जा रहे हैं, आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं। मुझे तो इतनी ज्यादा पसंद नहीं है आइसक्रीम, लेकिन हमारे बच्चों को आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी चलते हैं। कार नेटो सिर्फ खाता हूँ, लेकिन वो भी कभी कभार, मतलब इतनी ज्यादा पसंद नहीं है जितनी आपको आइसक्रीम पसंद है ना, उतनी मुझे नहीं है। सब बच्चों के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, 4-5 कार नेटो है बस, सब बच्चों के लिए नहीं होंगी। भैया कार नेटो कितने भाई दिए? 6 और खुशकिस्मती देखो चॉकलेट वाली है। कूल इमोजी भी है, ये भी इमोजी। ओए वाह प्यारी है। चाचू क्या लेके आए हैं? आइसक्रीम। बच्चे भी 6 कार्नेटो पीछे। हाँ अभी एक फातिमा, 2 लाल, 3 ब्रीरा, 4 अहमद, 5 6 और मोहम्मद 7 और अरफा 8। मोहम्मद तो आइसक्रीम खा रहे हैं। देखें जी नारायण कगान में जैकेट्स पहन के लेटे हुए हैं भाई, कसम से। ओए याशी कर गए हो। इसके साथ पंगा लिया था मैंने कल, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था, इसे कर लिया ऑन। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी मुझे आ रही है, लेकिन मेरी आपकी आपकी तरफ नहीं जा रही आवाज ना। कुछ तो पंगा है जो समझ में नहीं आ रहा मेरी ना। दूर दूर अहमद अभी बाहर चला गया रूम से, अभी हम अगेन कोशिश करेंगे। अहमद, अहमद की मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन मेरी आवाज़ अहमद को नहीं जा रही। ये वाली वॉकी टॉकी जो है ना चार्जिंग पे लग चुकी है। मेरी प्यारी कैटो क्यों डर रही हो मुझसे? कुछ नहीं कहता आपको। ओ, ना, 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 ना। ये अब गई मेरे रूम में। अभी शूज उठाते हैं इधर से। एक मसला हो गया जी जो मैंने थोड़ी देर पहले देखा है। ये मेरे ब्रांड न्यू शूज हैं, इनको भी धोया था मैंने और रखा था धूप में, और यहाँ से ये उखड़ चुके हैं। पहले ये एकदम ठीक थे, ये भी और ये भी इधर से उखड़ चुके हैं, बाकी एकदम ठीक है, ये इनको कोई मसला नहीं है। जब मैंने इनको देखा ना ऐसे, भाई साहब बहुत ज्यादा दुख हुआ मुझे। इसका ऑलरेडी एक हल है मेरे जहन में, और वो है अल्फी। अल्फी लगा के इसको वापस जोड़ा जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 अल्फियां नहीं यार। ये अल्फी मुझे इतनी अच्छी लग नहीं रही, लेकिन खैर देखते हैं। अभी उस ओए बहुत गर्म है ये, ओए मेरी स्किन पे लग गई है। एक बार ये सूख जाए तो फिर काम हो जाएगा है ना। मुझे लग नहीं रहा कि ये इतनी पायदार है, ये सूख ही नहीं रही। चाचू इधर लिखा हुआ एहतियात। एहतियात वो आंख में नहीं जानी चाहिए, ये आंख में चली जाए ना तो मसला हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है जैसे ये ऊपर में निकली थी ना, आंख में भी जा सकती थी। और दूसरा अगर ये जिल्द पे लग जाए ना, नेल पॉलिश रिमूवर से ये उतर सकती है। फातिमा के लिए अम्मी जान कपड़े लेके आई थी और फातिमा को पूरी नहीं आए हैं, तो अम्मी जान कहती है कि चलो जैन अभी चेंज करवा के लेके आते हैं। लाइट नहीं है तो अम्मी जान अंदर सूट चेंज करवा रही है। मेरे साथ ये भी आए हुए हैं गाड़ी की। मैं निकलने लगा था तो अब उधर कहता है कि चाचू हम भी आपके साथ आ जाएं। तो इतना मासूम सा मुंह बना के इसने कहा ना, तो मैंने कहा चलो आ जाओ। और एक और मजे की बात बताऊं, लाइट आ गई है। वाह मजे की बात बताने लगा था और लाइट आ गया। वाह रात को ना आजकल जो बाइक चलाने का मजा आता है ना, क्या ही बात है माशाल्लाह, क्या ही बात है। ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, मजा आ जाता है। तो अभी कपड़े चेंज करवा के घर को निकलते हैं। तो खैर आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।